हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं टेक्निकल तौसीफ और आप देख रहे हैं टीटू की दुनिया। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बैकग्राउंड है कि हाउ टू एक्टिव अ यूएन अपने अपने यूएन आईडी को कैसे एक्टिव करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा गूगल पेज खोल लेना है। गूगल पेज खोलने के बाद यहाँ पे एक एम्प्लॉयड गवर्नमेंट का ही सर्च करना। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेसेस खुलेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आएगा आवर सर्विसेज। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉर एम्प्लॉयज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेसेस आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आईडी और पासवर्ड मांग रहा था। हमको पासवर्ड पता नहीं है लेकिन हमारे हमको यूएन नंबर पता है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक्टिव यूएन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारा जो यूएन नंबर है, जैसे कि मान के लीजिए हमारा यूएन नंबर 1 2 3 4 5 12 नंबर रहता है, ध्यान दीजिएगा। जो भी यूएन नंबर रहेगा वो 12 नंबर करेगा, 12 डिजिट करेगा। तो यहाँ पे हमने यूएन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपका जो भी नाम है वो नाम डाल लेना है यहाँ पे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपना DOB डाल देना है, और उससे भी इम्पोर्टेंट अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालना है। और अगर मेल आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि आपका जो OTP जाएगा वो उसी मोबाइल नंबर में जाएगा, और जो पासवर्ड रहेगा उसका वो भी उसी नंबर पर ही जाएगा, ये आपको इस मोबाइल पे शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपना DOB दे देना है, आपका जो भी जन्मदिन है वहाँ पे, जो भी आधार कार्ड में जो आपका DOB है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा लिखा हुआ आ रहा है ANGR9 कुछ इस तरह जो लिखा हुआ है, इसको आपको भरना ही पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं भरिएगा तब तक पेज लोड ही नहीं लेगा। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे फिल करके अपना। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसे हम इस चीज़ को फिल करने के बाद एक्टिव यूएन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेसेस आते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम वगैरह आ गया यहाँ पे, और नीचे OTP मांग रहा है। आप अपने उस फ़ोन में जो इस फ़ोन का नंबर दिए, जैसे कि मैं यहाँ पे उस फ़ोन का नंबर दिया वो दिखा रहा हूँ मैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दूसरे फ़ोन में मैसेज आ गया है। यहाँ पे एक मैसेज दिखा रहा है, हम क्लिक करते हैं अपने दूसरे फ़ोन के मैसेज पे। जैसे हम मैसेज पे क्लिक करते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मैसेज आया है, और OTP भी है, देखिए है OTP भी है। उसके बाद चलते हैं फिर वापस उसी पेज पे। पेज पे चलने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आएंगे, यहाँ पे हम उस चीज़ को डाल देंगे, जो कोड मैसेज आया है उस कोड को हम यहाँ पे डाल के देखते हैं क्या होता है। जैसे हम इस कोड को डाल के एक्टिव UN पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा जो कोड है, जो OTP आया है वो कंपनी की तरफ से, वही OTP को डालना है। उसमें ध्यान दीजिएगा उसमें 2 OTP आता है, तो सेकेंड वाला आपको डालना है। तो तीसरे नंबर पर क्या होगा, जैसे हम इस चीज़ को एक्टिव करेंगे तो हमारा जो सेकेंड फ़ोन है जिस फोन का नंबर दिया है उस फोन में, जिसे देख सकते हैं यहाँ पे UN नंबर के साथ हमारा ID एक्टिव हो चुका है। तो इस ID और पासवर्ड से हम किसी भी साइट पर लॉगिन कर सकते हैं।